गुरु अमरदास जी दी बिटिया बच्ची दा नाम पानी सी। उन्हां दे महलां दा नाम श्री मनसा देवी, पानी जी दी उम्र होई 20 दियां गल्लां शुरू हो गईयां घर दे विच। एक दिन माता जी श्री मनसा देवी जी, पानी जी दी मदर सन, खिड़की पास उपरली मंजिल, घर दी उपरली मंजिल अपस्टेयर्स, खिड़की पास रुके हुए ने, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द विंडो। पर्दा हटाया होया है, बाहर वेख रहे ने बाजार वाल। आखो सतनाम, गुरु अमरदास जी। कमरे विच प्रवेश किया उन्होंने, बड़ी अटपटी जी गल देखी उन्होंने, भी अपने महल खिड़की दे पास रुके हुए ने, खड़े हुए ने। पूछते ने भागवान ने, तू की देख रही है? कहिंदी बाजार विच ना एक लड़का है, घुंगड़ियां वेच रहा है। घुंगड़ियां इज द पंजाबी वर्ड फॉर, वी यूज द वर्ड कचंग पुते इंग्लिश। छोलियां नू उबाल के नमक दे के ते उन्हां नू वेचना। घुंगड़ियां वेच रहा, बड़ा प्यारा लड़का है। मैं सोच रही हाँ भी जे साड़ी पानी वास्ते इस तरह का लड़के का कोई वर मिल जाए, सारे आखो सतनाम। आओ जी, आप भी आके देखो। गुरु अमरदास जी अगे होंदे ने, खिड़की का पर्दा थोड़ा जा होर हटाउंदे ने, ते आप भी देखते ने, कहिंदे लड़का तो बहुत प्यारा है। पर एदे वर्गा तो यही हो सकता है, दूजा नहीं। सारे आखो सतनाम। वो काल पुरख दूसरा नहीं बनाउंदा, ही इज़ अ क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल्स। गॉड इज नॉट अ ज़ेरॉक्स मशीन, एज वन ऑफ माई टीचर्स टोल्ड मी, ही इज अ क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल्स। Jagraj was an original. Some of you got to see him on the video just now. Guru Amar Das ji kehnde, ede warga ta fir ehi ho sakda hai. And then he became thoughtful. And Mata Mansa Devi looks at him and says, ji, she felt something. And Guru Amar Das ji kehnde ne, par is di ayu badi choti hai, sare aakho satnaam. He has a short life. Guru Amar Das ji jaane jaan hai na, jaane jaan hai. सारियां शक्तियां उन्होंने हाथों में ने, सतगुरां दे। कहिंदे इसकी आयु बड़ी छोटी है। माता जी कहिंदे, आयु की? आयु तेरे हाथ में नहीं। फिर आखो सतनाम, जन्म मरण तेरे हाथ में है। शी इज टॉकिंग टू हर हसबेंड।
सारा काल तेरे हाथ विच है, समा तेरे हाथ विच है, दिन ते रात तेरे हाथ विच है। ये आयु की गल कितों आ गई? तो गुरु अमरदास जी ने उत्थे वचन किया, बिकॉज ही सॉ इन दैट यंग मैन मस्ट हैव बीन 17-18 ईयर्स ओल्ड, जिन्हां नूं इतिहास याद है, दिस यंग मैन हिज नेम वॉज जेठा, ही वुड देन मैरी गुरु अमरदास जी डॉटर बीबी पानी एंड बिकम द फोर्थ गुरु ऑफ द सिक्स गुरु रामदास। एक बारी सारे आखो सतनाम। गुरु अमरदास जी ने कहा, चलो ठीक है, फिर मैं अपनी आयु दे विचों इन्हां नूं कुछ साल बख्श दिन्ने। ये समर्था है गुरु दी, ये समर्था है गुरु दी। गुरु महाराज जी कहंदे, फ्रॉम माय लाइफ आई विल गिव द इयर्स दैट ही विल नीड फॉर हिज मिशन, आई विल गिव फ्रॉम माय लाइफ। ये तो गुरुआं दी गल हुई, पर सिखां दी गल कर लो। गुरु हरगोबिंद साहब जी के बच्चे सन, अटल राय तुसी भी जानते हो, हरिमंदर साहब तुसी भी गए होंगे। नैक्सट टू गोल्डन टैंपल यू विल सी अ टॉल गुरुद्वारा, 9 stories हाई, बाबा अटल राय, बिकॉज बाबा अटल राय वो द सन ऑफ गुरु हरगोबिंद डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड एट द एज ऑफ 9 टू डेडिकेट दैट टैंपल, दैट गुरुद्वारा, संगत बिल्डर, 9-story गुरुद्वारा। यू विल सी दैट यूनिक स्ट्रक्चर इन अमृतसर, द सिटी ऑफ अमृतसर एज लोकेटेड एट द गोल्डन टेम्पल। ही वॉज ओनली 9 years old। होया कि बैट एंड बॉल द खेल सी मामूली चीज, व्हाट एन अमेजिंग beginning to a sakhi, two boys and their friends playing bat and ball. I bet you get the ball, I run and I score runs, I score points. Kheli ja rahe, raat pe gayi, awaazaan aa gayan ghar waliyan diyan, wapas aa jao, hanera ho gaya. Atal Rai di wari sigi, ते सारे कहंदे चलो करा नो, अटल राय कहंदे ठीक है, जाना तो ठीक है, कल नू मेरी वारी है टू बैट। अगले दिन की होंदा है, ऐसी घटना दुर्घटना रात दे विच हो जांदी है, जड़ा लड़का मोहन वॉज हिज फ्रेंड, मोहन ही वॉज सपोज टू बी ऑन द कैचिंग साइड, द बोलिंग साइड, द पर्सन हू थ्रोज द बॉल। अगले दिन अटल राय जी मैदान ते गए, प्लेग्राउंड दे विच चल गए, उथे उड़ी क्या कुछ मोहन नहीं दिख रहा। कुछ समा उड़ी के हुण घर गए, कुछ लोग बैठे ने, कुछ रोना तोना हो रहा है, जाके देख दिया मंजे ते मोहन पिया है। अटल राय नूं पता नहीं सी, पिछली रात एक सर्प ने उसनूं कट दिता सी, अ स्नेक हैड बिट मोहन इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड ही हैड डाइड फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द पॉइजन, एंड द फैमिली हैड प्लेस्ड हिज बॉडी ऑन द चारपाई ऑन द इंडियन बेड। It was still early in the morning, people were wailing, crying, those who were immediate family, but children do not know these things. Atal Rai marched into the house and said, Oye Mohan, Oye, main uthe maidan vich udik rahi hai, te tu ithe sutta pi hai, uth, meri wari hai. Karamat hai, karamat. मोहन जिंदा हो गया। एक बारी सारे आखो सतनाम। एक बच्चे की आवाज़ से
इतनी शक्ति है, अजय गुरु नहीं है। सिखां दी जिहड़े सिखां दी जिहड़ियां गल्लां असी सुना सुना के असी मैं नहीं थकदा ना तुसी थकोगे सुनदे। अटल राय दा वड्डा भरा गुरदित्ता अजे 22 साल 24 साल की उम्र है, जांदे जांदे वेख्या एक परिवार बहुत दुखी है, सारे रो रहे ने, उन्हां दी गां मर गई सी। उन्हां दिनां विच किथे किसे पास कोई अमीरी, लोग गाइयां दा दुध, दुध तो दही, दही तो मक्खन, मक्खन तो पनीर, इस तरह खाने बना के कुछ गुजारा करते होंगे सन। एक गां किसे पास होंदी, थोड़ा बहुत इतों उतों लभ के ते अपना गुजारा कर लेंदे। उन्हां दी गां गुजर गई। गुरदित्ता वॉज अ वेरी वेरी सेंसिटिव सोल, वेरी वेरी एक्सट्रीमली सेंसिटिव सोल। इफ ही वॉज वॉकिंग एंड हिज रोब वुड हिट अ फ्लावर एंड इट वुड ब्रेक, ही वुड ब्रेक आउट इन टू टीयर्स। बहुत कोमल, बहुत कोमल, अति कोमल, सच अ सेंसिटिव सोल। रब दे रूप होंदे ने ना, ते गुरदित्ते ते इतना उसनु उस चीज का दुख लग गया, वह गां नु जिंदा कर दिता। सारे आखो सतनाम, सारा इतिहास है पढ़िया करिए, इन्नी शक्ति है। ते हुण सवाल उठता है ना कि जगराज नु, जगराज दे उत्ते क्यों नहीं गुरु महाराज ने एक कृपा की। एक बार फिर आखो सतनाम। आओ आप शब्द पहला जुड़िए, फिर आप विचार करांगे। सतगुरु पातशाह मेहर कारण सारे ने मिल के आओ जी। आप लिए लड़ लाए मेरे वीर कर्म कुलविंदर जी, जिन्हें असं कमे कहते हैं, मेरे तो पहला यही तुका करके, ही वॉज गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ जगराज। वैन समवन आस्क्ड हिम, हाउ डिड यू कम टू दिस पाथ, एंड दैट्स वैन दिस शब्द स्ट्रक मी, दिस लाइन स्ट्रक मी, आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से। आओ जी मिलके, आप लिए लड़ लाए, लड़ लाए। आगे तुक, आप लिए लड़ लाए, लड़ लाए। ओ लड़ लौंदा है, ओहो लड़ लौंदा है, साड़ी इहदे विच मर्जी नहीं चलदी। आप लिए लड़ला, आप लिए लड़ला, लड़ला दर विश से, दर लड़ला।
से दर दरवेश से आप लिए जनेंदी माओ देखो सतगुरु पातशाह जी सिख धर्म दे विच मां दी जड़ी पदवी है मां दा जड़ा स्टेटस है इस तो उच्चा कोई स्टेटस नहीं है जे आज जग राज गुजरिया है ता दुनिया उसकी मां वल वेख के कहणगी ए उसकी मां सी दैट इज द ब्लैसिंग दैट ही हैज गिवन सारे परिवार नू तार दिता उसने धन जने की जनन वाली जड़ी है जन्म देन वाली जड़ी है उसका इतने जिक्र हो रहा उसका इतने जिक्र हो रहा है भगत अपने थान पर है भगत की मां जड़ी है उसकी महानता गुरु गा रहे ने इत इत मावां भैणां ते तियां की महानता गाई जा रही है अंग्रेजों की कहावत है इट टेक्स अ विलेज टू रेस अ चाइल्ड नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल इट टेक्स अ विलेज द मीनिंग इंप्लाइड इज इट टेक्स अ होल कम्युनिटी इट टेक्स अ होल गुरुद्वारा इट टेक्स अ होल साध संगत टू रेस अ चाइल्ड अगर जगराज दे उते एक कृपा हुई ते आप सुनिया सी ना कम्मे तो वह कह रहे थे ना साध संगत दे विचों मैं दर्शन होए अकाल पुरख वाहिगुरु दे साध संगत विचों असी समझ नहीं सके ये गल्ला वी टेक दीस थिंग्स एट फेस वैल्यू बट दोस वो हैव बीन ब्लेस्ड इन तन जनेंदी माओ ओदी मां नू कितने ब्लैसिंग्स दरगाह दे विचों मिल रहे ने दरगाह दे विचों सचखंड दे विच उस दे माता पिता दी कितनी वड्याई होगी उस दे परिवार दी कितनी वड्याई होवेगी आए सफल से उन्हां दा इस धरती दे ते आना उन्हां दा इस धरती ते आना आउंदी जांदी है दुनिया आउंदी जांदी है दुनिया सिवे ठंडे नहीं हुंदे क्रीमेटोरियम्स आर ऑपरेटिंग डे एंड नाइट पीपल आर कमिंग पीपल आर गोइंग मैटरनिटी यूनिट्स आर फंक्शनिंग मोर एंड मोर गेस्ट आर अराइविंग ये संसार एक मेला है कोई एंट्रेंस दे विचों और कार्निवल जड़े फन फेस्ट होंदे ने कोई एंट्रेंस दे विचों आई जा रहे ने कोई एग्जिट दे विचों निकली जा रहे ने एंड व्हाइल वी आर इन द फन फेयर देयर आर दोस लाइक जागराज हु हैव देयर आईज दे आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड They are not distracted by all the blinking lights, all the flashing lights, the music, the rides. They are not. They know they are in the fun fair. They know they are in a carnival. And they know that at midnight, the lights will be switched off. They know that there is someone
whose job is to switch off the lights at midnight. Ako Satanam. The greatness of Jagraj. We'll come back and talk about the greatness of Jagraj. Come, let's sing these couple of lines and connect ourselves to the beauty of this tenth Anajanendi Mao. I love this. I love this verse. This is really the most, for me, the most awesome verse in this line. Aap liye ladla. दरवेशां नूं आपदे भगतां नूं ओह आप लड़ लाउंदा है, ओह उहनां दी देखभाल करदा है, ओह उहनां दी संभाल करदा है, उहनां दी आयु दा उस नूं फिकर है, सानूं उस दी फिकर करन दी कोई लोड़ नहीं है। आप लिए लड़ला पछाता सच परवदगार अपार अगम बेअंत तू सस्टेनर चेरिशर इनफाइनाइट अनफैदमेबल एंडलेस क्रिएटिव पावर दैट इज गॉड दैट इज गुरु। मैं आप जी तीन मिसाल पहले दिते हाउ एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड एंड गुरु। हिज physical manifestation on earth is the 10 gurus that we have. So my question was, then why does someone like Jagraj has to leave this earth early? Baba has the power to extend his life.
I'm about to make a very important statement. Sometimes tragedies are necessary. Pain is necessary for God to advance. Guru Arjan Dev Ji shaheed hoye, Guru Hargobind Sahib ne do talwaran pehn liyan, Mughalan de papa nu rok ditta. Je Guru Arjan Dev Ji na shaheed hunde, kitna bhari dukh hoya hovega sangat te. ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ, ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮਰਡਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫੌਜ, ਐਸਾ ਪਲਟਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਐਸਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੋਲਜਰਸ, ਫੋਰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੋਲਜਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਫ ਦਾ ਫਾਦਰ ਵਾਜ ਅ ਸੋਲਜਰ, ਦਾ ਸਨ ਵੁੱਡ ਬਿਕਮ ਅ ਸੋਲਜਰ। The emperors would recruit such men to fight, and those were the men who came to battle against Guru Hargobind, a man who only had peasants, farmers. That is the true miracle, not the fact that he won the battles. The true miracle was he only had peasants on his side. Four times they were defeated, the entire Sikh Panth changed. Guru Tegh Bahadur Shaheed hoye, oh kalgiyan wale ne vardiyan pehn liyan, fauj khadi kar ditti, jis nu aapa khalsa kehnde aan. Pehli veri Guru Hargobind Sahib ne char veri haraya inhan nu, par chhediya nahi. ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਝਾਕਿਓ, ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਸੇ ਮਿਸਾਲ, ਇਟ ਟੇਕਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦ ਮੰਥ ਅਗੋ ਗ੍ਰੈਂਡਫੈਲ ਟਾਵਰ, ਸਕੋਟ ਟਾਵਰ, ਟਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸ ਬਰਨਟ ਟੂ ਐਸ਼ਸ, 80 ਪੀਪਲ ਪੈਰਿਸ਼ਡ। ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਖਬਰਾਂ, ਪਰ ਉਹ 80 ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਬਟ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਐਵਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੈਂਟ ਬੈਕ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਬੈਕ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਆਵਰ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਸੱਚ ਅ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਡਸ ਨੋਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਆਸ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਨ ਆਊਟਕਮ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਗੋਡ ਵਰਕਸ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਟਰੂਥ। ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਸ, and for that sacrifice is necessary. We will be coming to losing Jagraj at an early age. We will come to that. He had so much to give, but is it possible that by him leaving for his Sachkhand home, even more can be achieved? One woman in America, again coming from Mike Murdoch, her son was killed in an accident by a drunk driver. He was walking on the pavement, he bent off the road, hit into the boy, killed him. As a result of that tragedy, she
set up an organization called MADD, MAD. Mankind Against Drunk Driving. As a result of that one boy's death, today millions of people have been saved because of the awareness that that one lady, by creating such an organization within the United States and then taking it abroad to other countries to raise awareness among drunk people who are drunk drivers, it takes tragedies are very painful, but we must not allow them to remain tragedies. We must turn them into strength, into greatness. The greatest tribute that we can give, there's no point sitting here and crying about Jagraj. I don't think Jagraj wants that. As a matter of fact, main apni daughter nu puch reha siga, main kya mainu dasso, I have seen a few videos of Jagraj. Tell me something about Jagraj. Mainu Saturday bulaya hai PJ Gurdwara te main kuch vichar pesh karne hai, mainu kuch idea deo, main utthe kehdi gal dassan Jagraj bare. My daughter said, Pitaji, he was one man who could bring all the Sikhs together. Ek vari aakho satnam. Because one set up kita ek YouTube te unna da jada site hai, oda naam hi Basics of Sikhi. He took Sikhi by the root, not by all the mumbo jumbo that the whole world Sikhs have created and divided everybody. Eh khubi hai Jagraj Singh di. He didn't talk about advanced Sikhi, which we love to do. We need to impress the whole world how smart and intelligent we are. He did the exact opposite thing. Basics of Sikhi. This is Sikhi. It's as simple as that. As nu samjho, as nu pakdo, as te challo, assi sare ek ho javange, sare aakho satnam. Sri Vaheguru. That's a message we need to take from him. It's a great message. Very, very timely message. And we must not lose this opportunity. This is an awareness. I understand through this Sikhi inside, there may be people watching these videos in their homes, maybe even in countries overseas. It's a great time. It's a great time. Don't cry over spilt milk. Jagraj is gone. He is not coming back. Jagraj is not coming back. But what he has left behind is for us to remember for the rest of our lives. Back to basics. Chhad do role gole. Nobody is interested. Guru Nanak is not interested. Guru Nanak da naam leke loga ne apniya jathe bandiyan de vich oh kuch shuru kita hai ga loka nu paadan waste. ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਕਾਉਣਗੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ ਐਂਡ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਐਟ ਹੋਮ ਆਈ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਸੇਮ ਮੈਸੇਜ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਦਰ ਆਫ ਆਵਰ ਰਿਲੀਜਨ. He is the incarnation of a Kalpurkh. Leave all our intelligence. Forget about it. It's not necessary. It's not needed. One Guru Nanak is enough. So this is the message. Sometimes tragedies are necessary. Jagraj has left. Agar aasi koi shardanjali deni hai, if we want to convey our gratitude for the work that Jagraj has done, if we want to convey our gratitude, if that's why we are here this evening, tonight, then this is the way to do it.
It is to recognize the Sikhi that Guru Nanak brought into this world, not all what the Jathebandiyan have brought into this world. Basics of Sikhi. And that's what she told me. She says, if there is one thing that is great about Jagraj, he could talk to people from any Jathebandi, and people from every Jathebandi loved this guy. It means that basic Sikhi works. And basic Sikhi is a uniting force. It simply means that. It means basic Sikhi, peel all the layers of the onions and throw them away. Go to the source. Nothing greater to unite us. And he will be remembered as a hero for many things. He will be. This street prachar, dekho, ek aadmi ne bazaaran de vich jaake sikhi da prachar karna. Main sari zindagi Christian logan nu dekhya bazaaran de vich prachar karde aan. Sorry, soapbox, you know, they put a dabba. You go to I used to go fly to Melbourne, there'll be somebody on that standing on a dabba. The end is nigh. End of the world is near. Repent. You go to Sydney, you go to Adelaide, you go to New York, you go to London, you go anywhere, you'll see street preachers. And Jagraj broke the mold. Sikhs don't do prachar at all. We only do our thing in the Gurdwara. We don't do prachar. We're too embarrassed to even preach prachar to our relatives, our friends. He brought it out into the open. Took a lot of guts. I remember watching one video last year of him single-handedly in Hyde Park, to aap bhi dekhya hoega, aap bhi zarur dekhya hoega, where he is speaking about Sikhi and he is confronted by a Muslim. Maaf karna, I have to use that word. Who starts asking him questions. Next thing you know, ek hole ral gaya, then ek teesra ral gaya, ek chautha ral gaya, phir ek panjwa ral gaya. I think you would have seen that video. Dekhya, I can see a few of you nodding your head. Single-handedly, pyo de putter ne, apa inna nu kehne hai na, phir apa inna nu kehne mar jivde. Sade boli de vich, mar jivde kehne zinde shaheed. Jode zinda hi shaheed ban gaye hai. No need to die to become a shaheed. You are, while they are alive, they are already shaheed. They already attain and achieve the status of a shaheed. Shaheed are blessed, huh? They have a special space, a special place for them. There is zinda shaheed, panjaan da mukabla utthe karke unhon muka ditta. I was amazed at his courage. He was totally unflustered. He didn't lose his temper. He didn't become restless or angry with them. He just continued to explain, continued to correct them. That kind of courage. And there's a whole bunch of people. There's a whole bunch of people who are around him. The camera is panning and I can see there's a whole bunch of people. But there's these five very aggressive, tough-looking characters trying to confront Jagraj. That really caught my attention about Jagraj last year. And those of you who went to Sammelan last year, I think you remember that we did a special prayer for him at the Sammelan. We did a special inspirational session relating to Jagraj. So these are the kind of heroes. Now the other question, I just want to switch to another little shabad, a little tune. Which duniya sev kamaya mere virji jade hua. I'm going to just drop this where we left it. Jini pachata sach chuma pair mu. I don't know, I think we have lost that line already. Jina pachata sach jine rab di pehchan guru di gal samajh layi.
ते गुरु महाराज जी ने बाणी दे विच लिख दिता चुम्मा पैर मूह। मैं आपदे मूह नाल गुरु महाराज जी कह मैं आपदे मूह दे नाल ओदे पैरां नू चुम्मा। कैन यू प्लीज ट्राई टू इमेजिन गुरु नानक किसिंग द फीट ऑफ समवन लाइक जगराज। प्लीज ट्राई टू इमेजिन इन योर माइंड। प्लीज ट्राई टू इमेजिन। प्लीज इमेजिन गुरु गोविंद सिंह गोइंग एंड किसिंग द फीट ऑफ समवन जिसने रब नू पहचान लिया, गुरु की गल समझ ली है, तो सारी दुनिया के नाल सांझी कर रहा है। दिस वर्ड्स आर नॉट जस्ट ओनली फॉर स्क्रीनिंग, दिस वर्ड्स आर टू बी इमेजिन। इमेजिन गुरु गोबिंद सिंह गुरु तेग बहादुर गोइंग एंड किसिंग द फीट ऑफ सच अ मैन। चुम्मा पैर मूह आपके मूह नाल मैं उसके पैरों की चुम्मन लवा। सिखी बड़ी महान है, आओ गाइए। विच दुनिया से कमाइए तादर गए बैसन पाइए। विच दुनिया से कमाइए तादर गए बैसन पाइए। विच दुनिया सुख होवे सेवक माणिया सब दुनिया बन जाया। सुख होवे सेवक माणिया सब दुनिया बन जाया। विच दुनिया दुनिया बन जानिया। विच दुनिया सेव कमाइया तादर गए बैसन पाइया। विच दुनिया सेव कमाइया तादर गए बैसन पाइया। विच दुनिया सेव कमाइया। Let's take this lesson from Jagraj. Let's take this lesson from all those people who are serving humanity. Serving humanity. Please latch on to those words. Serving humanity. I've said this many times before. The seva that we do in our home gurdwaras, I refer to home gurdwaras, those who live around PJ, this would be a home gurdwara. Doing seva here is our training ground, is our school. Then this seva must go somewhere else. If it just stays here and here and here, then we haven't graduated. Then we have not graduated. The seva we do here must go outside the boundaries of the gurdwaras. And today this is becoming evident all over the world. America de vich, Europe, Australia de vich, and even in Malaysia we have jathas that are serving meals. There may be other people doing other forms of seva, but I know at least that there are Sikhs out there serving meals from food trucks, helping the poor, clothing, counseling. So many sevas to be done, which dunya sev kamaiya.
The word dunya should be interpreted in life, not in this world. While we are alive, and please do not wait. Please do not wait, because jadon jag raj nu puchya gaya si pichle saal Park Avenue Gurdwara de vich, my daughter told me. Park Avenue, those of you who know London and Southall well enough, you will know that Southall has two Gurdwaras, the main one. The Park Avenue was a temporary one that was put up while the Vada Gurdwara, the Havelock Road Gurdwara, was under construction. And Park Avenue is apparently the more successful Gurdwara, although it's the same entity. And they had a special program for Jagraj. Jagraj was invited, and I think this is going back like early part of this year. And he was asked, Virji, please say some words. The Jagraj ne ki keha, Jagraj ne keha. I am very grateful. I am so grateful to God. You know, he did not at any time in his message or in his address sound like he was in any kind of despair. He was in Chardikala. He had just received the news only weeks before that. And he said, I'm just so grateful. I don't know how to thank God that in my short visit to this earth, I have been able to achieve all this. Oh, maybe ei kya kya gaye san? When he was asked, how are you able to do all these things on your own? He says, I don't know. When I stand there, Baba speaks through me. I am not capable of having this much of knowledge. But when I sit there and I start, and the words flow, and the blessings flow. And this is exactly what he said. And in this young age, he has already accomplished this much. He has opened doors that none of us could open. Maybe only Yogi Harbhajan Singh, who went to America and brought thousands of Europeans into Sikhi. The method was different. It was by teaching yoga and meditation to people who had no idea what meditation was. Jagraja's method was different. He took the message of Sikhi. He took the bull by the horns. He went to the streets and he spoke to people, and people came forward to listen to him. The message of Sikhi is eternal. You can speak anywhere and people will listen to you. Of course, we in certain countries, we are not free to do that. But where they are, they should start. Because my next question is, hun asi kinne jagraj nave khade karne hai? Ke apa afsos hi manaunde rehna aega bhi jagraj chala gaya hai. Hun asi kinne jagraj hor nave banaune hai? Eh panth utte eh prashan hai, swal hai. Hor kinne asi jagraj khade karange hun? Now let the Panth answer this question. He has opened the gates. We can see people like Sikhi inside. They are already following, walking in the footsteps. They are already taking prachar to every corner, wherever it can reach and can't reach. These are the examples of progress. There are many others with so many different skills. You can serve and find a mission for yourself at any age. Age has got nothing to do with it. As a matter of fact, we are seeing younger and younger people coming up with ideas to help. There is a Sikh boy in Malaysia who supports, I think, is it in Africa, where the children couldn't study and they couldn't read, and he came up with a lighting device. Can someone help me with this? Can someone help me with this? There is someone who has created a lighting device that is solar powered. They
they put it out in the sun in the daytime. It charges up the battery, and with that light, the kids are able to read and study at night. A single-handedly doing all that. He raises funds from corporations, manufactures these, and has them shipped out free of charge. There's so much of seva to be done. Let Jagraj be our guiding light. Let us remember Jagraj in that way, that we also have something to do, and there is a mission for everyone. Just one more time, and then we'll. Vich duniya se bhagmaya tadargah besan maya. Vich duniya se bhagmaya tadargah besan maya. Sukha hove sevakamaniya. सब दुनिया बन जानिया सुख होवे सेव कमाइया सब दुनिया या बन जाइया विच दुनिया सेव कमाइया तदरगह बसन गाइये विच दुनिया Our time was still 9 o'clock. It's already time, past the time. We'll just do 2 minutes of prayer for Jagraj, in memory of Jagraj. Let us pray and wish him well, Auji. Ang sang vahe guru, 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 milke sare ang sang vahe guru, 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 ang sang vahe sang vahe guru, ang sang vahe guru, ang sang vahe guru, ang sang vahe guru, ang sang vahe ang sang vahe guru, ang sang vahe guru,
अंग संग वाहे गुरु, 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 अंग संग अंग संग वाहे गुरु, अंग संग वाहे गुरु, अंग संग वाहे गुरु, अंग संग वाहे गुरु, अंग संग वाहे गुरु। सारे कृपा करके हाथ जोड़ो, दो मिनटों वास्ते हाथ जोड़ के अरदास करो। गुरु मालिक उस दे अंग संग रहे, संग वाहे गुरु, अंग 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 संग वाहे संग वाहे गुरु, अंग संग वाहे गुरु, अंग संग वाहे गुरु, अंग संग वाहे गुरु, अंग संग वाहे अंग संग वाहे गुरु, अंग संग वाहे गुरु, अंग संग वाहे गुरु, अंग संग वाहे
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की।